जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड हवलदार शिवरतन सिंह, लक्की डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर और ओनर। तो जैसा कि मेरे पास काफ़ी दिनों से कॉल आ रहे हैं, बंदे कंफ्यूज में हैं कि सर हमारे को क्या सपोर्टर टाइटी या लंगोट इनमें से क्या पहन के दौड़ें जिससे हमारे हाइड्रोशील में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी हद तक कई बंदों को मेडिकल में, जो आर्मी का मेडिकल होता है उसके अंदर, खासकर जो टेस्टिस है उसमें, जैसे किसी में पानी का भर जाना या किसी का अप डाउन हो जाना या किसी की सूजन हो जाना, ये एक मेडिकल इश्यू रहता है इंडियन आर्मी के मेडिकल के अंदर। तो इसको सेफ्टी में ध्यान में रखते हो कि भाई इनका हम सही इलाज कैसे कर पाए, खासकर रनिंग करते समय। तो मैं आपको डेमो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये हमारे जो मेरी अकेडमी में बच्चे किस प्रकार दौड़ते हैं, और आज तक मेरी अकेडमी में हाइड्रोसील से संबंधित किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो चलो उसी के ऊपर हम आज इस वीडियो पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये सपोर्टर 100-150 रुपए का नॉर्मली सपोर्टर आ जाता है, ये तो ये सपोर्टर पहन सकते हो, समझ आ गया। अब इसमें देख लेना, जो ये इलास्टिक होती है ये थोड़ी हार्ड, जैसे इसमें चौड़ी है और अच्छी क्वालिटी की, मतलब सुपर कंपनी की है। साइज अपने हिसाब से देख लेना, मीडियम, एक्सएल, एक्स या लार्ज, आपको जिस हिसाब से आपकी आती है पहन के उस हिसाब से दुकान में जाके वहाँ आप शॉपिंग कर सकते हो। तो ये सपोर्टर पहन सकते हो। उसके बाद में ये आती है एक टाइटी। ज़्यादातर मेरे एकेडमी बंदे टाइटी का और सपोर्टर दोनों का यूज़ करते हैं, लेकिन टाइटी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। देख रहे हो ये टाइटी क्या करती है, सिस्टम को टाइट करके रखती है, समझ आ गया मेरा मतलब। तो ये भी आपके सिस्टम को टाइट करिए, इसमें आपको दौड़ते समय, रनिंग करते समय किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में ये टाइटी भी पहन सकते हो, इससे भी टाइटी से भी आपका सिस्टम टाइट रहेगा। दूसरा, तीसरा हम बात करेंगे लंगोट। कई मेरे भाई हैं जो लंगोट पहनते हैं, ठीक है। तो अब लंगोट के ऊपर मैं नहीं बोलूँगा लंगोट पहनो, लंगोट एक्चुअली होती है जो बंदे खासकर कुश्ती खेल रहे, कबड्डी खेल रहे, उनके लिए बेस्ट रहता है कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन भी होता रहे। जैसे ये देखो, यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट होगी है लंगोट, क्या हो गया बहुत ज़्यादा टाइट, तो यहाँ से आपका ब्लड सर्कुलेशन रोक देता है। रनिंग के अंदर आपका कंटिन्यू ब्लड सर्कुलेशन होते रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं नहीं बोलूँगा कि आपको लंगोट पहने, बेस्ट इनमें से मेरा आइडिया बता रहा हूँ, मेरा 18 साल का जो आर्मी का एक्सपीरियंस प्लस जो मैं एकेडमी में बच्चों को कराता हूँ, और आज तक मेरे एकेडमी में हाइड्रोसील से संबंधित किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आप सपोर्टर पहन सकते हो, दूसरा आप टाइटी पहन सकते हो, ये इन तीनों में से ये दो बेस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी बंदों के आते हैं कि सर हम क्या पहने, सपोर्टर पहने, टाइटी पहने या लंगोट पहने। तो लंगोट के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, सपोर्टर और टाइटी के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा, खासकर रनिंग के लिए। तो बाकी आप लोग जैसे इनमें किसी को प्रॉब्लम है हाइड्रोसील से संबंधित, किसी बंदे को प्रॉब्लम अभी नहीं है, नहीं इससे पहले कभी हुई, और मैं आशा करूंगा आगे भी मेरे एकेडमी में हाइड्रोसील से संबंधित किसी बंदे को प्रॉब्लम ना हो। तो आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे कि सपोर्टर और टाइटी पहन के आप रनिंग करो तो हाइड्रोसील से आपको मतलब कोई सूजन नहीं होगी, कई बंदों को पानी भर जाता है। और खासकर ध्यान रखना, आप रनिंग करते हो तो आपको किसी प्रकार की चोट या कैसे, जैसे हम कभी कुछ ऐसा गेम खेल लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है चोट लग जाती है, या हमारा कुछ ऐसा खान पान होता है या कुछ पानी का भी प्रभाव पड़ता है, या बचपन में कोई चोट लगी जिससे किसी बंदे को पानी भर जाना, सूजन हो जाना या दर्द होना, तो ये आर्मी का एक मेडिकल पॉइंट है जिसे काफ़ी बंदे इससे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से वंचित हो जाते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, डेमो के साथ मैंने आपको बता दिया। तो ये वीडियो शायद मेरे भाइयों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लक्की डिफेंस अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में जो बेल आइकन घंटी उसको दबा देना, जिससे कोई भी मेरा नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा और आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हो। तो आप लोग अपना ऐसे प्यार देते रहना, आपके लिए और भी अच्छे अच्छे मैं वीडियो लाता रहूंगा। आपका दोस्त लकी फौजी, जय हिंद जय भारत।